अच्छा फिर आपका स्वागत करते हैं एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ में। आपने वीडियो में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई होंगी उन्होंने अपनी वीडियो में, या फिर वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग आपको जो भी आपकी क्वेरीज है वो उन्होंने सॉल्व किया होगा। लेकिन आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी वीडियो में कुछ स्पेशल आपको मिलेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इंडिया की जो यूथ है या इंडिया के जो नॉर्मल जो मिड क्लास के लोग हैं, मिड क्लास बोले हाई क्लास बोले जो भी बोले, वो अपने बजट के हिसाब को लेकर चलते हुए अपने हिसाब से एक वॉशिंग मशीन प्रेफर करते हैं या फिर अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं जो आपके सामने मशीन लेकर आ रहा हूँ वॉशिंग मशीन, वो अगर फुल्ली ऑटोमेटिक में देखा जाए, जिन जिन लोगों के घर में फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए क्या जरूरी होता है, घर में अगर हो रहा है टैंक है, ठीक है, तो वो अपने घर में फुल्ली ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं। नहीं है तो वहाँ पे फिर आप सेमी ऑटोमेटिक ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, मैं भी वही प्रीफर करूँगा कि आप वहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के घर में अगर ओवरहेड टैंक नहीं है तो वो सेमी ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक यूज़ नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वही फिर बकेट में नॉर्मली मैनुअली आपको पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो मॉडल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये है LG की मशीन आएगी, 7 kg की ये मशीन है। ठीक है, LG की 7 kg की आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आएगी। इसमें अगर मैं देखूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, जो भी है आपकी मतलब की बातें जो भी है मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, जो जो फ्यूचर है बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, हो सके आने वाले फ्यूचर में आपको और ढेर सारी वीडियोज इस चैनल के थ्रू मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू, सो जैसा कि मैं बोल रहा था, इस वीडियो के थ्रू आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो मशीन है ये आपको आएगी 7 kg की। ठीक है, अब इसमें जैसे मान के चलिए कि हमारे घर में 6 से 7 फैमिली मेम्बर्स अगर हैं तो ये मशीन 7 kg की हमारे लिए बहुत इनफ रहेगी घर के यूज़ के लिए। ठीक है, इसके अगर फीचर्स मैं बताऊँ तो ये आपको आती है 5-star रेटिंग के साथ में। ठीक है, 7 kg की ये मशीन है, 10 साल इसमें आपको मिल जाता है मोटर की वारंटी। ठीक है, 10 साल इनकेस अगर मोटर को कुछ भी होता है तो वो कंपनी अपने एंड से वो सारी चीज़ें करेंगी जो आपको सर्विस के रिगार्डिंग जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको एक और फीचर मिल जाता है ऑटो रिस्टार्ट का। इसका मींस क्या होता है कि मान के चलिए आप कपड़ा धो रहे हैं, ठीक है, कपड़े धोते धोते अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे कट ऑफ हो जाती है तो ऐसा नहीं है मशीन जहां से आपने कपड़ा धोना चालू किया था तो ये वहीं से चालू होगा, जहां से आपने कपड़ा धोना चालू किया था और आधा अगर कपड़ा धुल गया था तो अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है तो ये वहीं से चालू करेगा, आधे भी इससे शुरू से नहीं करेगा। ठीक है, और बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे फीचर्स आते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप इस वॉशिंग मशीन को यूज़ करेंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, प्लग करना है, पावर का बटन ऑन करना है, उसके बाद इसको दबाने से पहले, ये स्टार्ट एंड क्लोज के ऑप्शन को दबाने से पहले ये सारे मोड्स आते हैं। ठीक है, इस मोड्स के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या आएगा, आपका आधा जो है वो सेमी ऑटोमेटिक मोड आएगा, मतलब इस टाइप के मशीन का मोड आएगा, आधा जो आएगा वो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक का मोड आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले सेमी ऑटोमेटिक का दिखा देता हूँ कि क्या होगा। जैसे मान के चलिए ये जो वाटर लेवल दिया हुआ है, फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होगा, आपका ओवरहेड टैंक के थ्रू इसमें पानी कनेक्ट होगा और पानी का जो फ्लो है वो ओवरहेड टैंक के थ्रू आएगा। वाटर लेवल यहाँ पे जो दिया हुआ है सेमी ऑटोमेटिक में, इसमें आप मैन्युअली पानी डाल सकते हैं। वॉश मतलब कितने बार धोना है, 3, 9, 13, 15, 21 अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, रिंस मतलब कितने बार खंगालना है, स्पिन मतलब कितने बार सुखाना है, मतलब कि कितने उसमें सुखाना है, लो मीडियम हाई या फिर सिर्फ एयर ड्राई करना है, ये चीज़ आपको इसमें मिलता है। बजर लो हाई ऑन ऑफ जो भी है फीचर यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप कपड़ों का हैवी नॉर्मल लाइट कपड़े ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में। फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में आपको क्या मिलेगा, एक नॉर्मल वॉश मिलता है। नॉर्मल वॉश में क्या रहेगा, आपका जो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं कपड़े वो सब, जैसे कि मैं आपको बता रहा था आधा तो मैंने सेमी ऑटोमेटिक मोड का जो भी था मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, बाकी आपको अगर कुछ लगे तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको ये जो है ये फुल्ली ऑटोमेटिक मोड है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक मतलब टोटल टाइम सेविंग, आपको अगर आपने कपड़े डाल दिए तो फिर मशीन को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको रेडी टू आयरन कपड़े निकाल के देगा। ठीक है, 7 किलो मतलब ये भी बता देता हूँ, लोग ये सोच रहे होंगे 7 किलो मतलब किलो वाइज क्यों वॉशिंग मशीन को देखा जाता है, 7 किलो मतलब 7 किलो कपड़े, यानी आपके अगर मैं नॉर्मल उसमें बताऊं तो 14 कपड़े छोटे बड़े सब मिला के, आपके कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, अगर घर में कोई मैम है तो उनकी साड़ियां वगैरह हो गई। ठीक है, इसके हिसाब से 7 किलो कपड़ों का वजन उसको अपन इसमें धो सकते हैं, इस हिसाब से 7 किलो की मशीन है। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या क्या मोड्स आ जाते हैं, एक नॉर्मल मोड आ जाता है, नॉर्मल मतलब रोजमर्रा के कपड़े जो अपन डेली पहनते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे अब टाइम की अगर बात करूँ तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो थोड़ा सा टाइम लेगी धोने में, सुखाने में, खंगालने में, ये सब चीज़ों में टाइम लेगी। तो इसमें मैं ये मान के चलिए कि 40 से 45 मिनट अगर आपने अगर कुछ अच्छा
कुछ मोड में अगर आपको यूज़ करना है इस मशीन को, तो 40 से 50 मिनट मान के चलिए कि इतना मशीन टाइम लेगी, ठीक है। नॉर्मल वॉश में डेली के कपड़े जो अपन रोज़ पहनते हैं, टर्बो वॉश में क्या रहता है, कपड़ों की जो क्वालिटी है मान के चलिए थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि जो वॉशिंग क्वालिटी है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। उसके बाद क्विक वॉश का ऑप्शन आता है, हालांकि इसमें 40-50 मिनट लगते हैं कपड़े धोने में, लेकिन मान के चलिए कम गंदे कपड़े हैं, टावेल हो गया या फिर कोई ऐसी टी शर्ट है जो गंदी नहीं है ज़्यादा, तो अपन क्विक वॉश में धो सकते हैं। इसमें 15 मिनट में कपड़े आपको धो के सुखा के खंगाल के सारा कुछ करके दे देगा। स्ट्रॉन्ग कपड़ों में क्या क्या आ जाता है, जैसे मान के चलिए मोटे कपड़े हैं, फैब्रिक कुछ ज़्यादा मोटी है, जीन्स हो गया, या फिर कोई जीन्स की शर्ट है, आजकल डेनिम की जीन्स डेनिम की शर्ट बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो सारी चीज़ें इसमें अपन धो सकते हैं, ठीक है। आप कौन कौन, कुछ कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि आप अपन इसमें बेडशीट धो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल धो सकते हैं, बस इसमें ये है कि आप अगर बेडशीट इसमें डालेंगे तो रोल करके डालिएगा, ठीक है, एट द टाइम में सिर्फ एक ही बेडशीट डालिएगा, या फिर कंबल वगैरह वो भी इसमें धुल जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का हो गया ऑप्शन, इसके बाद क्या होता है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे प्री वॉश का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या रहता है आपका, अगर आपको धोते समय क्या होता है, अपन जैसे कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, आपने कपड़े धो लिए, धोने के बाद जो पानी बचता है आपने को दूसरा साइकिल अगर दूसरा अगर कपड़ा और उसमें धोना है, तो उस चीज़ के लिए फिर ये ऑप्शन यूज़ होता है। प्री वॉश जो है वो क्या करता है, कपड़े तो धोता ही है लेकिन पानी जो है उसको बचा के रखता है, ठीक है, अब बचा के रखता है और आपका जो कपड़ा है उसको डिटर्जेंट में एक मिनट के लिए दुबा के रखता है, उसके बाद आपका एक्वा रिजर्व आ जाता है। ये मोड में भी पर्टिकुलर, जैसे कि ये है प्री वॉश का मोड, इसमें क्या रहता है कपड़े को आपको सोख करके भी रखेगा और पानी आपका बचेगा भी, वही चीज़ एक्वा रिजर्व में आपका पानी बचाएगा। जेंटल वॉश में क्या हो जाता है, जैसे वूलन्स के कुछ कपड़े हैं, जैसे अभी ठंडी आ गई तो वूलन्स हम ज़्यादा पहनते हैं, साड़ी वगैरह हो गई, जो ऐसे कपड़े जो हम बहुत ज़्यादा पोलाइटली धोना चाहते हैं या फिर हम ये चाहते हैं कि वो अलग से डेडिकेटेड तौर पर वो धुले, तो सारी चीज़ों के लिए जेंटल वॉश हो जाता है। टब क्लीन अपने को 30 दिन या फिर 2 महीने में एक बार ज़रूरत पड़ता है टब क्लीन का, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ से अपन प्रोग्राम को सेट करने के बाद यहाँ से अपन जो भी प्रोग्राम अपन सेट किए हैं वो कमांड मशीन को मिल जाती है, वहाँ से वो अपना काम करना चालू कर देता है। ये सारे कमांड्स हैं, उसके नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो जो भी ऑप्शन है वो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको क्या मिलेगी, जैसे मान के चलिए कुछ कुछ वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कभी कभार क्या होता है हमारे घर में यूजुअली बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कभी बच्चों ने यहाँ पे हाथ रख दिया या फिर कुछ कुछ डोर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट गिर जाते हैं, तो उससे क्या होता है कांच का तो सारा कुछ फ्रेमिंग होता है, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहता है। अब मशीन वर्क करेगी, ये जब बंद होगा तभी वर्क करेगी, ठीक है, तो इसमें क्या दिया होगा सॉफ्ट क्लोजिंग डोर आपको इसमें मिल जाता है, हाइड्रोलिक का यूज़ करते हुए डोर क्या है अचानक से बंद नहीं होता, थोड़ा सा स्लोली बंद होता है, उससे अपने को क्या फ़ायदा रहता है कि जैसे घर में बच्चे वगैरह या फिर हमारे से ही गलती से अगर ये डोर छूट गया हाथ से तो गिरेगा नहीं और टूटेगा नहीं, तो ये चीज़ इसमें मिल जाती है। तो सारे फीचर्स, ये 7 kg की मशीन है, और भी आप अगर देखेंगे तो और भी मशीन्स है, अगर आपको और कुछ इस मशीन्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए और मैं उस कमेंट का जवाब बिल्कुल दूंगा। अगर आपको और कोई मशीन देखना है या फिर और कुछ सी प्रोडक्ट के बारे में आप रिव्यू चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल आप बताइएगा, उसका बिल्कुल हम रिव्यू बनाएंगे।